इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. इसमें दिया हुआ है कि 1 प्लस आई 1 माइनस आई होल पावर एम इज इक्वल्स टू 1. देन फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एम, पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ एम. तो यहाँ पर वो वैल्यू निकालनी है जहां पर ये एक्सप्रेशन 1 के इक्वल हो और वो एम की सबसे लीस्ट पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू होनी चाहिए. तो पहले हम इस एक्सप्रेशन को और सिंपलीफाई करते हैं. तो सिंपलीफाई कैसे करेंगे इसको, 1 प्लस आई 1 माइनस आई, और अगर हम नीचे वाले कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करें तो नीचे वाले आई के टर्म हट जाएंगे. तो अब इसको लिखते हैं 1 माइनस आई, इसका कॉन्जुगेट 1 प्लस आई होगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस आई, और इसकी पावर हमने एम लिखा है इज इक्वल्स टू 1. न्यूमेरिकल वैल्यू में देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, हमने इसको सॉल्व करने के लिए क्या किया, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया. ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या आएगा, 1 प्लस आई का होल स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, नीचे आने के लिए हम बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं. नीचे क्या होगा देखिए, 1 माइनस आई 1 प्लस आई, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर के. 1 स्क्वायर 1 होगा, आई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है. देखो आई स्क्वायर क्या होगा, माइनस 1, जब इस माइनस 1 को यहाँ रखेंगे तो प्लस 1 और फाइनली हमको 2 मिलेगा. तो नीचे क्या आ गया, 2, और इसकी पावर है m, और ये कब 1 होगा, जब m की वो लीस्ट वैल्यू मिलनी चाहिए. इसको हम एक्सपैंड कर देते हैं क्योंकि मोर तो लगा नहीं है, केवल ब्रैकेट है. तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i आएगा और नीचे 2 की पावर m. i स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, माइनस 1. i स्क्वायर जब माइनस 1 है तो यहां पर ये प्लस 1 है, इससे कैंसिल हो जाएगा, 2i बाई 2 2 कैंसिल हो जाएगा, i की पावर m इज इक्वल्स टू 1. अब i कहां कहां पर 1 होगा, जहां पर भी 4 का मल्टीपल हो, लेकिन सबसे छोटी वैल्यू क्या होगी m के लिए, m इज इक्वल्स टू 4 पर क्या हो जाएगा, आई की पावर 4, और आई की पावर 4 हमेशा क्या होता है, 1. फिर आई की पावर 8 पर 1 होगा, फिर आई की पावर 12, 4 के जितने मल्टीपल्स हैं, पर लीस्ट वैल्यू की क्या होगी, एम इज इक्वल टू 4.